शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के टोरिया जागीर में पुलिस ने चोरी के अनाज के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक टोरिया जागीर के किसान जंडेल सिंह के खेत पर बने गोदाम से अज्ञात चोर चार बोरी सरसों और दो बोरी सोयाबीन चुरा कर ले गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। इसके तहत ही प्रभारी रविशंकर कौशल ने बताया कि सूचना के बाद झीरी रोड से चार चोरों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए चोरों ने टोरिया जागीर के किसान के गोदाम से अनाज की बोरियां को चोरी करना स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत पुलिस ने 50,000 के अनाज की बोरियों सहित लाख रुपए की कीमत का ऑटो जब्त कर चारों आरोपियों के खिलाफ BNS के तहत मामला दर्ज किया है। ये जंडेल सिंह यादव है जो टोरिया जागीर का रहने वाला है। इसके इसके जो गोदाम है, जो खेत पर गोदाम बनी है जो बंगला रोड पे है, उस गोदाम से 31/7 और 1/8/24 की दरमियानी रात्रि को इसके गोदाम की टीन सेट से अंदर घुस के अज्ञात चोरों के द्वारा चार सरसों के कट्टे और दो सोयाबीन के कट्टे यानी 6 कट्टे चोरी किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट जंडेल ने 4/8/24 को थाने पर की थी। तो थाना पौरी पर अपराध क्रमांक 325/24 धारा 331/4 और 305 BNS का कायम किया गया था। अब चोरियों की घटना को लेकर हमने एक टीम गठित की गई थी और आज सुबह थाने पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि जिनने चोरियां की है, जैसे अकबर उर्फ कालू खान, हेमंत उर्फ छिनका और गोलू उर्फ अशोक रजक और रविंद्र धानक, इसमें जो अकबर खान है ये झिरी का रहने वाला है और जो तीन आरोपी हैं ये सीपरी के रहने वाले हैं। और इनके मुखबिर सूचना के आधार पे हमने आज सुबह झिरी से आगे सीपरी जो मार्ग है मोड़ पर हमने इनको पकड़ा है और ये माल बेचने जा रहे थे, ऐसी सूचना थी मुखबिर की और इस पर से हमने इनको पकड़ा और चोरी किए माल को हमने मौके से ही, और जो ऑटो थी इनने जो अपराध में जब उपयुक्त की थी उसको भी हमने जब्त किया है।